मैं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल सॉल्यूशन स्टडी परिवार में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवेटिंग अरेंजमेंट की। जो रिवेटिंग अरेंजमेंट है वो क्यों ज़रूरी होता है उसका अरेंजमेंट करना, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो DSMS में है, डिजाइन ऑफ स्टील एंड मेसोनरी स्ट्रक्चर्स। साथियों, इस समय जो VTU के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें DSMS सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, और उस DSMS सब्जेक्ट में सर्वाधिक जो है ये पूछा जाता है कि भाई जो रिवेटेड अरेंजमेंट है वो कैसे होता है और वो उसे कैसे किया जाता है। ये जो है रिवेट का एक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से एक रिवेट होती है, ठीक है। अब इस रिवेट को जो भी प्लेटें हैं, जैसे ये प्लेट हो गई, इन दो प्लेटों को कैसे जोड़ना है, कौन सा जो अरेंजमेंट होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जो रिवेटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो किस पे बेस होता है, स्ट्रॉन्ग पे, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पर बेस होता है, क्योंकि जिसकी जितनी मजबूताई होगी वो उतना ही बेहतरीन और बढ़िया होगा, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जो रिवेटिंग अरेंजमेंट पर ही बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम लोग कि भाई जो रिवेटेड अरेंजमेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम चेन की बात करें, चेन अरेंजमेंट हो गया, ठीक। एक एक करके टॉपिक को सभी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि आखिर जो अरेंजमेंट है वो क्यों ज़रूरी है हमारे दो प्लेटों को जोड़ने के लिए। दूसरा है डायमंड अरेंजमेंट, कि भाई डायमंड अरेंजमेंट क्या होता है, इसको भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सब लोग पहले लिख लेते हैं भाई टाइप ऑफ, कितने टाइप्स के जो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, सभी लोग अपने साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहें, और ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि भाई कि जिग जैग है या फिर जो डायमंड अरेंजमेंट है या चेन अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है हमारे DSMS का, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, रिवेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है ज़रूर से ज़रूर टॉपिक को समझें। अब बात अगर हम करेंगे किसकी, चेन अरेंजमेंट की, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, चेन अरेंजमेंट, कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए किसी भी तरीके की तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हम आपको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इसी वीडियो में आप लोग समझ जाएंगे पूरा टॉपिक कि भाई क्या होता है। अब जो चेन अरेंजमेंट की बात करेंगे, चेन अरेंजमेंट देखा होगा आप लोगों ने, चेन क्या होती है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में होती है, या तो ऐसे होगी या फिर आप लोगों का इस टाइप में होगी, ये होगी, ठीक है। या तो ऐसे होगा, अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई रिवेट लगाई जा रही है इस तरीके से, या फिर कोई इस तरीके से अगर कोई रिवेट लगाई जा रही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में फेस टू फेस, इस रिवेट के फेस ये रिवेट आ गई, इस रिवेट के सामने ये रिवेट आ गई और इसके सामने ये, मतलब फेस टू फेस जो लगती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं चेन अरेंजमेंट। जैसे हम अगर हम एक आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट बना के दिखाते हैं, ये हमारी कोई प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है। अब इस प्लेट को क्या है, नीचे जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि पूरी एक्यूरेट पोजीशन में जो आ जाए। ये जो होती है वो हमारी कहलाती है सिंगल रिवेट लाइन। ये क्या कहलाएगी साथियों, ये जो कहलाएगी वो सिंगल रिवेट आ रहा ही आएगा, सिंगल रिवेट लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सिंगल रिवेट लाइन कहलाती है। सभी साथी जो है वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, और
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो डेली ही डेली आप लोगों को सिविल सॉल्यूशन स्टडी परिवार से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आप तक पहुंचे और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, सिंगल रिपीट लाइन। अब इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे कि भाई डबल रिपीट लाइन क्या होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई सिंगल रिपीट लाइन क्या होगी, तो सिंगल रिपीट लाइन में क्या होता है कि जो है फेस ये सिंगल रहती है, इसमें एक एक लाइन पर ही एक रिपीट होगी। अब बात करते हैं डबल डबल रिपीट लाइन। अब इसमें क्या है, डबल रिपीट लाइन में मान लीजिए हमारी जो मजबूती है वो हमें और अधिक करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक हो गई, फिर इसी के सामने जस्ट फेस टू फेस के सामने लगा देते हैं ताकि इसकी मजबूती और अधिक हो जाती है। तो इस तरीके से एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई, तो इसको कहते हैं हम लोग डबल रिपीट लाइन। ठीक है, अगर तीन होंगी तो तीन कहेंगे, चार होंगी तो चार रिपीट लाइन कहते हैं। ठीक, अब बात आती है दूसरा हमारा है भाई डायमंड। इसी पे हम लोग बना देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि आखिर डायमंड रिपीट जो है वो कैसी होती है। डायमंड रिपीट ज्वाइंट, डायमंड रिपीट अरेंजमेंट। ठीक है, तो डायमंड रिपीट जो अरेंजमेंट होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें क्या होता है, कम रिपीट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूती मिल जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को एक थोड़ा सा हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा और उससे समझाना पड़ेगा। सपोज दैट ये हम एक प्लेट बनाते हैं। ठीक है, एक प्लेट हमारी ये है। ठीक, अब इस पे कहीं पर भी मान लीजिए एक ज्वाइंट है, प्लेट एक के ऊपर एक रखी हुई है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक प्लेट का ज्वाइंट है, एक प्लेट ये है, इसी के ऊपर एक प्लेट दूसरी है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इन हमें प्लेटों को जोड़ना होगा। तो ये एक ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट के इस तरीके से जो है वो डायमंड अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है गोल गोल जो दिख रही है वो रिवेटेड लगी हुई हैं। क्या है, वो रिवेट लगी हुई हैं। ठीक है, ये जो है अब इस तरीके से देखिए, ये है हमारा क्या ज्वाइंट है, या तो ज्वाइंट की तरफ को बढ़ेंगे। देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, ऐसा अरेंजमेंट रिवेटेड का ऐसा अरेंजमेंट जो ज्वाइंट की तरफ को बढ़ता है या ज्वाइंट की तरफ को घटता है, तो उसको हम लोग डायमंड रिवेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक है, फिर दो है, फिर तीन है, मतलब ये ज्वाइंट की तरफ को बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये ज्वाइंट की तरफ को बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे डायमंड रिवेटेड ज्वाइंट। और एक में और देख लीजिए, हम यहाँ पर एक प्लेट और बना देते हैं आप लोगों के लिए। रिवेटेड का अरेंजमेंट बहुत सोच समझ के करना होता है, क्योंकि रिवेटेड का अगर आप अरेंजमेंट अच्छे से करेंगे तभी आपकी जो ज्वाइंट्स हैं वो जुड़ पाएंगे, अदरवाइज़ जो ज्वाइंट्स हैं वो नहीं जुड़ते हैं। तो यहाँ पर एक जो मिड पॉइंट होता है इसका, जहाँ पर एक ज्वाइंट होता है, अब ज्वाइंट के दोनों सिरों पर हमें क्या करना है, बराबर बराबर रिवेटेड लगानी होती हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर रिपीट लगाएंगे, सबको बराबर हमें रिपीट लगानी रहेगी, कहीं पर भी दोनों साइडों में इधर भी हम लोग बराबर रिपीट लगाएंगे, इधर भी बराबर लगाएंगे। अब देखिए ये ज्वाइंट है, अब ज्वाइंट की तरफ को हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट की तरफ को बढ़ रहे हैं, जहाँ भी ये दिखेगा आप लोगों को इस तरीके से, तो ये जो है वो अरेंजमेंट कहलाता है। यहाँ देखिए ये रिपीट हमने यहाँ पर लगा दी, एक जस्ट इसके यहाँ लगा दी, एक जस्के और एक ये यहाँ पर लगा दी, ये हमारा कहलाता है डायमंड रिपीटेड ज्वाइंट। देखिए यहाँ पर एक लाइन इससे मिलती है, दूसरी लाइन ये है आप लोगों को रिपीट, तीसरी यहाँ पर मिल रही है ये, और चौथी जो है यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर क्या है, पूरा 1, 2, 3 और 4 फोर लाइन की रिपीटेड ज्वाइंट है। तो ये जो है ये काफ़ी बेहतरीन होता है हमारे जॉइंट्स के, रिपीटेड जॉइंट्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगला है हमारे पास, लास्ट है डायमंड अरेंजमेंट, जो कि तीन अरेंजमेंट हमारे पास थे, एक चेन था, एक डायमंड था, दूसरा जिगजैग मोशन था, वो सॉरी जिगजैग अरेंजमेंट था। ठीक है, अब इस जिगजैग के
समझाते हैं आप लोगों को भी जिगजैग आखिर कैसे वर्क करता है और कैसे लगाई जाती है, तो यहीं पे हम लोग समझा देते हैं। एक अगर आप PDF अगर किसी को चाहिए या फिर जो नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, अगर टेलीग्राम आप यूज़ करते हो तो उस पर ज्वाइन कर सकते हो, तो जो भी PDF वगैरह होती है ऐसे क्लास की तो वो हम लोग उस पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम सिविल सॉल्यूशन स्टडी नाम से टेलीग्राम है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड है जिगजैग, ठीक है, जिगजैग अरेंजमेंट क्या है, जिगजैग अरेंजमेंट ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अरेंजमेंट होता है। सारे जो अरेंजमेंट हैं वो बहुत ही ध्यानपूर्वक रखने पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए अरेंजमेंट अगर आप ठीक से करोगे तभी हमारे जॉइंट्स पे मजबूती होगी, अदरवाइज जॉइंट पे मजबूती नहीं आती है, ठीक है। तो अब ये जिगजैग जो होता है ये दोनों का मिक्सचर होता है, किसका होता है, क्या ये मिक्सचर होता है, मिक्सचर जिगजैग मोशन क्या होगा, ये मिक्सचर्स होता है, मिक्सचर्स ऑफ चेन और डायमंड, डायमंड अरेंजमेंट, ये चेन और उसका अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, जब भी कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बनाकर ही आप जो है अच्छे नंबर पा सकते हो, ठीक है। तो लिख सकते, इसमें फेस टू फेस लगाई जाती हैं, इसमें जॉइंट्स की तरफ को बढ़ेंगे या जॉइंट्स की तरफ को घटेंगे, ठीक है। ज़्यादातर में हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट की तरफ को बढ़ाते ही हैं, जैसे कि इसमें है, ठीक। तो ये जो कहलाता है वो आपका डायमंड रिपीटेड जॉइंट कहलाता है। अगला है आपका जिगजैग डायमंड। अब इसमें हम लोग एक प्लेट बनाएंगे आप लोगों के समझाने के लिए, एक प्लेट हमने ये बनाई है, ठीक है, एक प्लेट ये है। अब इस प्लेट को क्या है, हम लोग जॉइंट्स देंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन बना देते हैं, एक हमने रिपीटेड यहाँ लगा दी, एक रिपीटेड यहाँ लगा दी, बीच में एक रिपीट दे दी, दो यहाँ लगा दी और दो यहाँ पर लगा दी। अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्या दिख रहा है, एक लाइन चेन अरेंजमेंट दिख रहा है, यहाँ पर ये चेन अरेंजमेंट हो गया, और यहाँ से अगर हम इसको इसे अगर हाइड कर लें इसे, तो हमारा क्या होगा, ये कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है, डायमंड अरेंजमेंट दिख रहा है। तो आप जो है इस तरीके से भी अरेंजमेंट कर सकते हो। एक और प्लेट अगर हम आपके लिए बना के दें, यहाँ पर देखिए एक हमारी प्लेट और हम बना रहे हैं जिसमें आप लोग को अरेंजमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए एक रिपीटेड हमने यहाँ पर दे दिया, एक रिबिट का जॉइंट यहाँ दे दिया, एक रिबिट का जॉइंट यहाँ दे दिया, इसी के बीच में इसके बराबर ने यहाँ पर ये दे दिया, फिर उसके ये, फिर यहाँ इसके सामने, फिर इसके सामने दे दिया ये। अब देखिए इसमें भी आपको ये यहाँ कैसा दिख रहा है, ये चेन अरेंजमेंट दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम इसको हाइड कर लेंगे तो ये हमारा डायमंड अरेंजमेंट होता है, मतलब जिगजैग अरेंजमेंट कैसा होगा, ये जो है चेन अरेंजमेंट का और रिपीटेड अरेंजमेंट का मिक्सचर्स होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सिविल सॉल्यूशन स्टडी परिवार से जुड़िए, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी और ऐसी ही वीडियो मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।